हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव आज आपसे बात करने वाली हूँ कि आपके बेबी के पहले और सेकंड वीक में क्या हो रहा होगा, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहा होगा और आपकी बेबी एक्चुअली कहाँ पर, उसकी ग्रोथ कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो जैसे ही आपकी डेट मिस हो गई, आपने UPT कर ली, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर ली और वो पॉजिटिव आ गया, कंग्रेचुलेशंस, आप मम्मा बन गए। आप गायनेक के पास जाओगे तो गायनेक जो डॉक्टर है वो आपको पूछेंगे कि आपकी लास्ट पीरियड की डेट कौन सी थी, यानी कि वो लिखेंगे LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट कौन सी थी। तो आप बोलेंगे कि भाई 20, तो बस यही 20 आपका पहला वीक है, यानी कि आपकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल वीक था जहाँ पर आपकी ब्लीडिंग अभी हो रही है, वो आपकी बेबी का, आपकी प्रेगनेंसी का पहला वीक है। तो एक्चुअली पहले वीक में आपकी बॉडी में क्या हो रहा होगा, तो वहाँ पर आपकी बेबी बनाने के लिए एसेंशियल चीज़ जो है वो है ओवम, वो है अंडा। वो अंडा बनेगा, अंडा नहीं होगा तो आपका बेबी कहाँ से आएगा। तो प्रेगनेंसी के पहले वीक में आपकी बॉडी अंडा बना रही होगी, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो FSH और LH है वो आपकी ओवरी में आएगा, वो वहाँ पर संदेशा देगा कि भाई बहुत सारे फोलिकल्स बनाओ। तो बहुत सारे फोलिकल्स बनेंगे ओवरी में और उसके अंदर एक, हर फोलिकल में अंदर एक अंडा होगा जो भी मेच्योर नहीं है, जो इमेच्योर है, बहुत सारी फोलिकल्स होगी। तो पहले वीक में ये बहुत सारे फोलिकल्स बनेंगे और इसी में से कोई एक फोलिकल होगी वो मैच्योर होगी और उसके अंदर जो अंडा है वो अब प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको दिया जाएगा, उसको अच्छे से नरिश्ड किया जाएगा। तो पहले वीक में क्या हो रहा होगा कि आपका जो अंडा है वो तैयार हो रहा होगा। अब प्रेगनेंसी के सेकंड वीक में क्या हो रहा होगा, तो जब भी प्रेगनेंसी का सेकंड वीक यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक जहाँ पर बच्चा रहेगा वो है ओव्यूलेशन डे, वो है फर्टाइल पीरियड। तो सेकंड वीक में क्या हो रहा होगा कि जो भी एक ये फोलिकल डेवलप हुई है उसके अंदर का जो अंडा है, अंदर का जो ओवम है वो अब मैच्योर हो गया होगा। तो जो ब्रेन है वो पिट्यूटरी ब्रेन यानी कि उसमें पिट्यूटरी वो संदेशा देगा कि भाई अब अंडा तैयार है तो ओव्यूलेशन कर दो, तो ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो ओव्यूलेशन होगा यानी कि क्या होगा कि जो अंडा है वो रिलीज हो गया होगा और फिर अंडा जो ओवरी है उसमें से निकल कर जो फिलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर फिम्ब्रिया होती है एंड पे, तो इस तरह से वो अंडे को ले जाएगी फिलोपियन ट्यूब के अंदर। और फिर आपका ओव्यूलेशन डे आपको पता होगा तो उस दिनों में आप रिलेशन मेंटेन करेंगे क्योंकि अभी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होगे। तो क्या होगा कि सीमेन थ्रू उसमें से बहुत सारा स्पर्म आपके सर्विक्स के अंदर आएगा और फिर वो पहुंचेगा फेलोपियन ट्यूब तक। तो फेलोपियन ट्यूब में अभी ओवम भी है और जो स्पर्म है वो भी आएगा, तो फेलोपियन ट्यूब में दोनों का मिलाप होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और फिर वो स्पर्म ओवम के अंदर जाएगा और वहाँ पर अपने जीन्स भी बनाएगा, अपने क्रोमोसोम भी देगा। तो जो स्पर्म है उसके क्रोमोसोम, जो ओवम है उसका क्रोमोसोम, दोनों मिलके एक बेबी बनाएगा। यहाँ पर जो अंडा है वो ऑफिशियली फर्टाइल होगा, यानी कि आपका फर्टाइल एग अभी रेडी है, जब बच्चे का स्टार्टिंग है, बच्चे का पहला माइलस्टोन कंप्लीट होगा यानी कि अब बच्चा फर्टाइल होगा। अभी आगे की जर्नी week 3 and week 4 तो मैं आपको कल बताऊंगी, लेकिन साथ ही साथ week 1 and week 2 में जो यूट्रस है उसमें भी बहुत सारी हलचल होगी क्योंकि एक्चुअली जो बच्चा होगा तैयार तो वो आगे चिपकेगा तो यूट्रस में। तो अब बताती हूँ week 1 and week 2 में यूट्रस में यानी कि week 1 and week 2 में आपके बच्चेदानी में क्या क्या चेंजेस हो रहे होंगे। तो week 1 में आपके बच्चेदानी में ऐसा संदेशा दिया जाएगा कि भाई अभी बच्चे को तैयार करने के लिए बेड आप बनाओ, तो वहाँ पर जो भी नए नए सेल से वो डेवलप होंगे और सिक्रेटरी फेज यानी कि आपके बच्चेदानी के अंदर जो एंडोमेट्रियम बनते हैं वो एंडोमेट्रियम बनेगी, तैयार होगी, वहाँ पर नए सेल्स डेवलप होंगे। और week 2 में क्या होगा कि जो बच्चेदानी है उसके जो सेल्स है उसकी भी ग्रोथ होगी, वो अब इस तरह से अर्ली ग्रोथ होगी, तो इससे पता चल जाएगा कि भाई अभी बच्चा तैयार हो जाएगा तो उसका बेड तो तैयार करना पड़ेगा, तभी बच्चा आके वहाँ पर चिपकेगा, वहाँ पर अच्छे से रह पाएगा। तो एंडोमेट्रियम थिकनेस से वो मैक्सिमम 10 mm तक होनी चाहिए, तो आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस भी बढ़ेगी और जब भी बच्चा आके week 3 में चिपकेगा तो बेड तैयार होगा।
तो वीक वन एंड वीक टू में आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग तैयार होगी और उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये बात हो गई कि वीक वन और वीक टू में आपकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपके बच्चे की पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है। वीक बाय वीक गाइडेंस कि बच्चे का ग्रोथ कैसे होगा, उसकी साइज क्या होगी, उसके साथ साथ क्या हो रहा है और ऐसे ही साथ में आपके साथ क्या होगा वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आप फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना, लाइक का बटन पहले प्रेस कर देना और अपना कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और हाँ, आपको वीक बाय वीक गाइडेंस तो यहाँ पर मिलने वाला है, वीक थ्री का वीडियो आएगा, वीक फोर, इस तरह से वीक 40 तक हर वीडियो वहाँ पर आएंगे। साथ में आपकी जो जो कंप्लेन है उसके भी वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आप यदि कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं कि आप इस पर वीडियो बनाओ तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई इस पर आप वीडियो बनाओ, आप अपना सजेशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।